हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज हम आप लोगों को आंदामान के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आंदामान एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर घूमने के लिए बहुत टूरिस्ट आता है। ऊपर से देखिए आंदामान कैसे लग रहा है देखने के लिए। समुद्र का बीच में एक लंबा सा छोटा सा द्वीप है, लेकिन इस आंदामान में बहुत सारा घटना घटा है जो आप इसकी आगे वाला जानेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आदिवासी रहता है जो पहले से बसा हुआ है। ये आदिवासी यहाँ पर ऐसे पेड़ का उसका चीज बना के पहनता है। इस आइलैंड में आदमियों का जाना माना है, यहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। इस आइलैंड में कोई जाता है तो वापस नहीं आ पाता है। बहुत ही खूबसूरत द्वीप है आंदामान। जो सेंटलैंड आइलैंड है सिर्फ उसी जगह पर इस आदिवासियों का स्थायी ठिकाना है। वहाँ पर कोई भी मनुष्य को जाने का कोई अधिकार नहीं है। और इस आइलैंड का नाम है सेंटलैंड आइलैंड। बाकी उसको छोड़ के बाकी आंदामान का जो एरिया है, पोर्ट ब्लेयर है, हैवलॉक है, नील है, ये सब एरिया घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस है। तो सेलुलर जेल जो घटना घटा था पहले ज़माने में, ऐसे कैदियों को ला के इसी जेल में बंदी बना कर रखता था। ये देखिए आंदामान इतना खूबसूरत है देखने के लिए, लेकिन इस आंदामान में इतना सारा घटना घटा है जिसके बारे में आप जानेंगे तो चौंक उठेंगे। और आंदामान ऊपर से जो एरियल व्यू है इसका बहुत ही खूबसूरत है। आपको जो एरियल व्यू हम दिखा रहे हैं, आप इसको देख के पता कर सकते कितना खूबसूरत है आंदामान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको आंदामान के बारे में जो चित्र दिखा रहे हैं, ये है जो आदिवासियों का चित्र है। ये साइलेंट में जो भी जाता है सबको मार दिया जाता है। इन आदिवासी छोड़ के कोई भी इस आइलैंड में अलाउ नहीं है जो सेंटलैंड द्वीप आइलैंड है। बाकी आंदामान का जो पोर्ट ब्लेयर एरिया है बहुत ही खूबसूरत एरिया है। इस आंदामान पर आपको नारियल का बागीचा देखने में मिलेगा और यहाँ पर नारियल पानी लोग बहुत पीता है। और यहाँ पर देखने के लिए बहुत खूबसूरत एरिया है जहाँ पर आप कहीं पर भी जाके घूम सकते हैं। यहाँ पर हैवलॉक बीच है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। जो नील आइलैंड है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर इतना जंगल है और जंगल में नारियल का बागीचा इतना ज़्यादा है कि आप नारियल ही नारियल दिखाई देगा। और यहाँ पर जो आदिवासी रहता है वो आदिवासी जो कि इतना खतरनाक होता है कि उनका जो एरिया है सेंटलैंड आइलैंड जो है वहाँ पर जाना बहुत ही रिस्क हो जाता है। तो उन लोगों के लिए अलग से ही बना हुआ है एक आइलैंड, उन लोगों के लिए स्पेशल है सेंटलैंड आइलैंड। तो ये देख रहे फ्रेंड्स जो आदिवासी है कैसे दिखने होता है, कैसे वो लोग मछलियाँ भी पकड़ता है, जैसे कैसे खाता है। अब देख सकते हैं ये मछलियाँ भी पकड़ा है ये लोग और खा भी रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर जो आदिवासी देखने के लिए भी बहुत लोग टूरिस्ट जाता है। बाराटांग ज़्यादा टाइम जो आप बाराटांग वाला जो हमारा वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी रास्ते में जाते हुए ये आदिवासी को देखने के लिए मिलता है। तो बाराटांग ज़्यादा टाइम में इन आदिवासी को देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अलग से लोग सेंट्रल आइलैंड में भी रहता है। यहाँ का जो समुंदर का बीच है, पानी है, बहुत ही सुंदर है और नीला कलर का है। और इतना क्लीन पानी शायद और कहीं बीच पर कहीं जगह पर देखने के लिए ना मिले। लेकिन आंदामान में आते जो आपको नीला पानी देखने को मिलेगा समुंदर का, ऐसा नीला पानी और कहीं पर नहीं है। फ्रेंड्स, आप देखिए सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल की जो काला कोठरी है आप देख सकते हैं कैसा है। ये जो फ्रेंड्स जो पुराना व्यू भी रखा है, जो यहाँ पर तेल कैसे बनाता था पहले के ज़माने में, इंग्रेज जो भी कैदियों के देकर तेल बनाता था और कैदियों के देकर ही इस सेलुलर जेल को बनाया गया था। अभी के टाइम पे सेलुलर जेल टूरिस्ट प्लेस बन चुका है फ्रेंड्स। जब भी टूरिस्ट आता है तो सेलुलर जेल को देखता है। और ये जो फ्लैग पॉइंट है, इस फ्लैग पॉइंट में अभी इंडिया का फ्लैग उड़ता है। और पहले ये देखिए फ्रेंड्स, जंगल काट के यहाँ पर घर जो बिल्डिंग है बनाया गया था। ये देख सकते फ्रेंड्स, ये बिल्डिंग बनाया गया था पहले। ये रॉस आइलैंड का फोटो आप दिखा रहे हैं आपको और ये है सेलुलर जेल का वीडियो। तो रॉस आइलैंड और सेलुलर जेल दोनों आसपास है। ये है काला कोठरी। यहाँ पर नारियल ऐसे तोड़ के नारियल से तेल बनाया जाता था।
ऐसे कैदियों को बेड़ी में बांध के रखता था। जो कैदी नारियल से तेल निकाल नहीं पाता था उसको बेड़ियों में बांध के रखता था। तो ये फ्रेंड्स एरियल व्यू भी आपको दिखा रहा हूँ, तो एरियल व्यू भी देख सकते कैसे है देखने के लिए। ऊपर से भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कभी आप फ्लाइट में आएंगे तो ऊपर से ऐसे एरियल व्यू जैसे जो देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है अंडमान एरिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक ग्राउंड है इस एरिया में, मेन पार्क एरिया है जो आपको डायरेक्ट से दिख रहा है। और ऐसे लजल का अंदर से ऊपर आसमान देखिए कैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि सेलर जल का जो फोटो भी हमने दिखा रहे हैं आपको, ऐसे बेड़ियों में बांध के रखता था कैदियों को। और ऐसे जेल का जो बाहर का एरिया ऐसी छोटा सा एक गली जैसा रहता था, वहाँ से खाली बाहर का थोड़ा सा लाइट ही अंदर आता था। ये सेलर जेल का जो पुराना जमाने का जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं सेलर जेल का, ये ऊपर से देखिए सेलर जेल देखने में कैसा लग रहा है। अभी इसमें खाली तीन ही बिल्डिंग में रखा हुआ है, बाकी को हटा के पीछे साइड में देखिए वहाँ पर जेल कैसे लग रहा है दिखने के लिए, ऐसे जेल था पहले। ऐसे कैदिया अंदर में जेल में बंद रहता था। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।